हेलो गाइस, वेलकम टू 3D इन टच। मैं रिहान सफी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पर। गाइस, जैसे कि बहुत लोग पैनिक हो चुके हैं कि अभी तक कोई वीडियो नहीं डल पा रही है, क्योंकि रीजन ये था कि मैं किसी प्रॉब्लम में था जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ना ही हम रिकॉर्ड कर पा रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी 5th क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक एलिमेंट सिखाए सारे, जैसे बॉर्डर सिखाए, फ्लावर सिखाए, ठीक है, बैंड सिखाए, ग्रिड डिजाइन सिखाए, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिखाना हैंड डिजाइनिंग। तो गाइज, आज मैं एक बेसिक डिजाइन डालूंगा, बेसिक डिजाइन आपको सिखाऊंगा, जिसमें आपको दिखाएंगे कि फ्रंट हैंड पर मेहंदी कैसे लगानी है, वो तो बेसिक डिजाइन। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले आपका अभी छोटे छोटे लाइट लाइट डिजाइन चलेंगे, उसके बाद आपके हैवी डिजाइन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप जब ये फिनिश करोगे, तब उसके बाद आपके हैवी डिजाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का जो डिजाइन है हमारा, उसमें सिखाया गया कि बेसिक डिजाइन जब आप स्टार्ट करोगे तो उस कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है, उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स हैं और क्या क्या उसमें कनेक्टिविटी करना है। तो गाइज, आइए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जो लोग न्यू हैं चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है उनको बोलना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे से जितना भी ज्यादा आप शेयर करेंगे ना, उतना बेटर है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जिन लोगों को मेहंदी सीखनी है, बट वो एक तो मनी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो कि फीस सिनेरियो जो रहता है, जैसे जिसमें फीस पे करनी होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, जो नहीं सीख पाते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, बस उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप सीखें। तो गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और ज्यादा से लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे मेहंदी सिखाने का तरीका कैसा लगता है, और आपको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है सीखने में। गाइस, ये वाला डिजाइन कंप्लीट करने के बाद, आपको जब आपका ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी डालें और मुझे टैग करें, ताकि मैं आपका डिजाइन देख सकूं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भेजें, या यूट्यूब पर ऑप्शन नहीं होता है डिजाइन भेजने का, वरना आपको मैं वहीं बोलता भेजने के लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं जल्दी, आइए वीडियो देखते हैं। हेलो गाइस, सो सबसे पहले हमें करना है हैंड ड्रो, बैक हैंड साइड इस तरीके का। अगर गाइस आप ड्रो कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आपको प्रॉब्लम होती है ड्रो करने में, तो इसकी फोटो क्लिक करके मैं आज एक पोस्ट कर दूंगा, जिसमें आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर A4 साइज पर आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको आपको लैमिनेशन कराना होगा। लैमिनेशन कराने से क्या फायदा होगा कि आप अच्छे से आराम से कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम एक सर्कल। सर्कल बनाने के बाद इस पर हम इस तरह से राउंड लाइंस कर लेंगे। राउंड लाइन करने के बाद हमें जैसे लीफ बनाते हैं ना, लीफ स्टाइल में हम एक के ऊपर एक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड साइड पे हमें एक सर्कल करना है इसके ऊपर ही। आप साइड में भी कर सकते हो, आप थोड़ा स्पेस देकर भी कर सकते हो, बट बेस्ट है कि आप इसको टच करके ही बनाएं, क्योंकि टच करने से क्या होगा, ऐसा लगता है जैसे हमने कनेक्टिविटी की हुई है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम एक सर्कल और करेंगे सेम उसी तरह से। ठीक है, सर्कल हमें बहुत फिनिशिंग से बनाना है, आपको सर्कल का बस ये ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर सेम हम इसी तरह से छोटे छोटे राउंड लाइन कर लेंगे, फिर इस तरह से लीफ बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाइस, इसके बाद हम बनाएंगे ऊपर लीफ। पहले हम लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से इसको टच कर देंगे। सेकंड वाली भी इस तरीके से बनाएंगे। टच करके बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप थोड़ा अलग करके भी, मतलब थोड़ा स्पेस देकर भी बना सकते हो, बट टच करके जब बनाते हैं तो थोड़ी सी जो मेहंदी की डिजाइनिंग है वो ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी इसमें चेंजेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल डिटो सेम ही बनाना है। थोड़ा बहुत अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं अपनी साइड से तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक लाइन की है। लाइन करने के बाद हम इसका डबल टाइम राउंड कर रहे हैं, डबल टाइम राउंड कर रहे हैं करना है हमें। ठीक है, डबल टाइम जब राउंड करेंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही फिनिशिंग से करना है। फिनिशिंग अगर कम होगी तो हम जो इस पर ड्रॉ करेंगे वो ना अच्छे से नहीं दिखेगा, प्रॉपर ना ही हाईलाइट होगा, ना ही अच्छे से दिखेगा वो। ठीक है, अभी हमारे राउंड्स क्लियर हो चुके हैं। अब राउंड करने के बाद हम यहाँ कर लेंगे ड्रॉप्स इस तरह से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आपको इस फ्लो के अंदर हमें लेकर जाना है। ठीक है, ये फ्लो बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है हैंड बहुत ही अच्छे से चलता है। फिर हम लाइनिंग कर लेंगे वन साइड लीफ के अंदर इस तरह से, और सेकेंड साइड में हम पूरा इसको डार्क फिलअप कर लेंगे, इससे क्या होगा बहुत ही अच्छे से लीफ प्रॉपर हाईलाइट होती है। सेकेंड साइड में हमें यही करना है, दूसरी लीफ में भी हमें यही सेम सिनेरियो करना है कि हमें इस तरफ लाइन करनी है। लाइन का हमें ध्यान रखना है, जिस तरह जैसे हमने फर्स्ट वाली में लेफ्ट हैंड साइड की है, तो इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड ही करनी है। राइट हैंड साइड करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी आपस में,
फिर वो हाईलाइट नहीं हो पाएगी प्रॉपर। अब ऐसे वो हाईलाइट होगी। गाइस बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सेकंड चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि गाइस जैसे कि बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे कि क्लासेस नहीं हो रही हैं, वो क्लासेस रोकने का रीजन ये था कि मैं किसी प्रॉब्लम में था, वो प्रॉब्लम अभी ठीक हो गई है। किसी वजह से हम लोग नहीं अपलोड कर पा रहे थे वीडियो, वीडियो हमारी रिकॉर्ड थी बट हम उसको एडिट करके नहीं डाल पा रहे थे। सो अभी हमारा प्रोसेसर स्टार्ट हो गया, अब एवरी टू डेज में हमारी एक वीडियो डलेगी। सो गाइस जुड़े रहिए और सीखते रहिए, और सीखने के बाद जैसे ही आपका क्लास कंप्लीट हो जाती है, जैसे सपोज आपने आज की क्लास ये है कि हम हैंड सिखा रहे हैं, इसमें जैसे ये फिनिश हो जाता है तो गाइज आप मुझे शेयर भी क्या करो, आप हमें व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे टैग कर सकते हो ताकि हम आपका डिज़ाइन देख लें और उसमें कोई कमी है तो भी बताएं। सो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। सो गाइज ये ग्रिड था, ग्रिड के टाइम पर मैंने सारा आपको मतलब समझाना था कि क्या क्या बताना था और क्या क्या करवाना था, उसके लिए मैं बता नहीं पाया था। ग्रिड बहुत सिंपल था तो आप लोग देखते देखते समझ ही गए होंगे कि कैसे बनाना है। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें लाइंस करनी थी, लाइंस दोनों साइड करने के बाद छोटी वाली डॉट करनी थी, छोटी वाली डॉट करने के बाद मोटी वाली डॉट करनी थी, बोल्ड वाली। ठीक है, ग्रिड कंप्लीट हो गया, अब हमने इसमें लाइन कर ली बोल्ड वाली, देन उसके बाद हम इसमें मिनी राउंड्स कर लेंगे इस तरह से। डबल टाइम करना है तो डबल टाइम कर सकते हो, सिंगल टाइम करना है तो सिंगल टाइम, फिर डॉट्स करने के बाद इस तरह से डायरेक्ट भी डॉट कर सकते हो या फिर इस तरह से होल्ड करके भी कर सकते हो कि पहले लाइन लाइन कंप्लीट कर लो, लाइन के बाद डॉट डॉट कर लो। इस तरह से हम बोल्ड लाइन कर लेंगे, बोल्ड लाइन करने के बाद एक आउटलाइन कर लेंगे, आउटलाइन करने के बाद सेम सिनेरियो सेम प्रोसीजर, ये हमें मिनी राउंड्स करने, मिनी राउंड्स जरूर करने क्योंकि मिनी राउंड्स के बिना मेहंदी डिजाइनिंग हो ही नहीं सकती। तो जैसे ही हमारे मिनी राउंड्स इस पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से हम एक आउटलाइन करेंगे, 3D टच देंगे। 3D टच के लिए आपको क्या करना है कि हमें मेहंदी डिजाइन जो भी आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद एक बार आउटलाइन जरूर देनी है, उससे क्या होगा मेहंदी आपकी उभरी उभरी दिखेगी और उसी को 3D मेहंदी बोला जाता है। सो गाइस यहाँ पर मतलब इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में या इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में बोलना चाहूंगा तो 3D किसी को पता ही नहीं था एक्चुअली कि 3D कोई मेहंदी भी होती है, ये मैंने ही लॉन्च किया था। सो इस तरह से हम दोनों साइड लीव कर लेंगे, लीव करने के बाद आपको पता ही है कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, पहले हम ये मिनी सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, सेम सिनेरियो सेम लाइंस सेम जैसे हमने ऊपर भरी थी लीफ उस तरह से भर लेंगे। सेकंड साइड भी आप लाइनिंग कर सकते हो, वो आपका कॉल है, अगर चेंज करना चाहते हो तो डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा कि मैंने जैसे एक साइड भरा हुआ कर रहा हूँ मैं डार्क और एक साइड में सिर्फ लाइंस कर रहा हूँ, तो आप चाहते हो दोनों साइड लाइन करना तो आप दोनों साइड लाइन भी कर सकते हो, बट दोनों साइड भरा हुआ नहीं कर सकते, लाइन वाला कर सकते हो क्योंकि लाइन एक प्रॉपर हाईलाइट हो जाती है। तो उसके बाद हम इसमें शेड कर लेंगे फ्लावर्स में, शेड हमें बहुत ही लाइट कौन से करने हैं जिससे जो बहुत लाइट चले आपकी कौन, हल्के हैंड से फ्री हैंड से बिल्कुल स्लो। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई है वीडियो की तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बट आपको बिल्कुल स्लो स्लो करना है क्योंकि स्लो स्लो क्या है बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, यहाँ मेरे पास स्पेस बचा है तो यहाँ पर मैं एक हार्ट बना दूंगा, चलो एक और बना देते हैं, ये टू हार्ट्स बन गए। अब आ जाते हैं हम इसकी फिंगर डिजाइनिंग पर, फिंगर डिजाइनिंग के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से पहले एक लाइन कर लेंगे, लाइन करने के बाद डबल टाइम राउंड कर लेंगे, राउंड करने के बाद इस तरह से सर्कल कर लेंगे और इस पर थोड़े से बड़े बड़े राउंड करेंगे हम्प्स। ठीक है, फिर यहाँ से हमें वन और ये टू, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा उम्मीद करता हूँ ऐसी, बाकी तो आप ही कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर इस तरह से हम डॉट्स कर लेंगे, डॉट्स हो गई कवर। अब हम यहाँ पर करेंगे एक बोल्ड लाइन, फिर एक आउटलाइन, आउटलाइन के बाद हम कर लेंगे इसमें मिनी राउंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारी लाइन हो गई। लाइन के बाद हम कर लेंगे छोटे वाले ग्रिड। ठीक है, इस तरह से हम
जैसे हमारी लाइन कंप्लीट हो रही है गाइस, तब तक आप कमेंट करके बताओ कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा हमारा आज का। बाकी अभी थोड़ा रहता है, एक रिंग फिंगर पे भी हमें डिज़ाइनिंग करना है, अभी थोड़ा सा पूरा हुआ नहीं है। इस तरह से बोल्ड कर देंगे ताकि वो पार्ट बिल्कुल अलग ही दिखे। अब आ जाते हैं इस फिंगर पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप कर लेंगे, छोटा ड्रॉप, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉप कर लेंगे, सेम बोल्ड लाइन वाला सीन रहेगा, इसमें हम राउंड कर लेंगे ऐसे। कभी कभी एक बार आउटलाइन करने के बाद सेकंड बार भी आउटलाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे हार्ट बना देंगे, ठीक है। इसमें हार्ट की जगह अभी जैसे मैंने जब लाइन करी थी स्टार्ट, तो मैं चाहता तो लीफ भी बना सकता था, जो लीफ लाइंस होती है लंबी वाली, बट मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसे चेंज कर दिया। अब जैसे मुझे ना इसमें क्या लग रहा है कि ना इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी कि हमें डबल टाइम राउंड करने चाहिए थे, क्योंकि सिंगल टाइम राउंड ना एक ना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो यहाँ मैंने इसको डबल टाइम राउंड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर दिया है डॉट का, तो सेम अगर हम नीचे भी दे देंगे तो हमारा डिज़ाइन मैच हो जाएगा, तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर भी सेम उस तरह का ही कर देते हैं, ताकि ये देखो अब हमें प्रॉपर मैचिंग मैचिंग वाला लग रहा है। सो भाई ये हमारा डिज़ाइन आज का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, लास्ट इसमें डॉट कर लेते हैं। आप चाहो तो इन फ्लावर को बोल्ड भी कर सकते हो, और गाइस बोलना चाहूँगा ये आपको 3 टाइम बनाना है, ये डिज़ाइन आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है, और 3 टाइम प्रैक्टिस करने के बाद मुझे शेयर भी करना है आपको, और स्टोरी पे डालोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।